जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको नेकी का हमारे सेगमेंट, और आप मुझे जनाब जफर अब्बास साहब नजर आए हैं, और एक ऐसे मौके पे कि जब माशाल्लाह हर फर्द और इदारा ही अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहा है, तो बहुत बड़ी तादाद है ऐसे इदारों के लोगों की जो कि बड़ी अच्छी बात है। ऐसे में भी अगर कोई अपना मुमताज मकाम बना ले तो इसका मतलब वाकई बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट हो रही होगी, तभी इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन, लोग इतना सराहें गलियों में मोहल्लों में, जब भी आप जाएं और बात करें तो लोग तारीफ करें कि जी बगैर किसी तफरीक के जहां काम हो रहा हो जेडीसी की तरफ, बगैर किसी ये देखे कुछ भी, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने ये तय किया कि जो हमारा नेकी का सेगमेंट होगा उसमें हम गाहे बगाहे ऐसे इदारों की तशहीर के लिए भी, और ये तशहीर बहुत जरूरी है। मैंने पहले नेकी के पहले सेगमेंट में मुझे अच्छी तरह याद है जुनेद जमशेद भाई से ये सवाल किया था कि नेकी जा, जा, जा। और उन्होंने बताया कि वो नेकी कि जिसको देखकर दूसरों को तरगीब मिले उससे बेहतर नेकी और कोई नहीं हो सकती। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को खबर ना हो, ये बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन ये वहां लागू होती है जहां आपको किसी दूसरे का राज रखना मकसूद हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुआशरे में भलाई फैले, नेकी फैले, लोग तरगीब पाए, अच्छे काम करें, तो फिर वो नेकी अफजल नेकी है उस नेकी से जिसको छुपा कर, जाहरी नेकी और सिर्री नेकी का तमाम लोगों के जहनों में होगा जुनेद जमशेद भाई का वो। तो आज हमने जेडीसी को यहाँ जहमत दी है, जेडीसी के सेक्रेटरी जनरल जफर अब्बास यहाँ पर मौजूद हैं, और हम ये जो कीमती तरीन एयर टाइम है आरवाई डिजिटल का, ये ऐसे इदारों के लिए गाहे बगाहे नेकी सेगमेंट में मुख्तस करते रहेंगे। सो कहीं उन लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा जिनको मदद की ज़रूरत है, और कहीं उन इदारों को जिनको मजमूई तौर पर हम सब की मदद की ज़रूरत है, ताकि वो बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं और जो इस वक्त जारी है उस मदद के सिलसिले को जारी रखा जा सके। सो इससे पहले कि हम जफर भाई आपसे ज़रा बातचीत करें, आपसे ये जाने कि इस वक्त घरों में क्या सूरत हाल है, इस वक्त जो मिडिल क्लास है वो किस तरह से पिस रही है, ना वो किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ना वो किसी से मांग सकते हैं। नौकरी पेशा लोग, बाइज्जत रोजगार कमाने वाले, दुकानें अपनी खोलने वाले, अपने स्टोर चलाने वाले, वो बेचारे किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। किरायों के मामलात हुकूमत लाख कहती रहे, लेकिन जिसने किराया मालिक मकान तो किराया मांगेगा वो क्यों, और उसका अपना गुजारा भी किराए पर ही चल रहा है, तो उस सूरत में क्या करे वो बेचारा। तो कैसी जिंदगी लोगों की गुजर रही है और आप उसको आसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है, किस चीज की जरूरत है, जरा हम बात करते हैं। लेकिन पहले जरा जेडीसी का थोड़ा सा काम दिखा दें, एक छोटा सा पैकेज है कि इस वक्त, और आप आखिर तक जरा देखिएगा इसको, कि वो जो शनाख्ती कार्ड्स के ढेर हैं, मैं जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको बता सकता हूँ, चूंकि हमने एक खाने का सिलसिला शुरू किया है बड़ा जाती तौर पर, बहुत अपने अपनी जाती जेब से, वहां लोग राशन के लिए जो शनाख्ती कार्ड अपने नंबर लिख के देके जा रहे हैं, वो उससे मुझे अंदाजा होता है कि किस परेशानी से गुजर रहे हैं। उन शनाख्ती कार्ड्स की कॉपीज के ढेर से अंदाजा लगाइएगा कि जिन लोगों ने दरख्वास्त दे रखी है राशन के लिए, और किस तरह से वो राशन पूरा किया जा रहा है, और आप किस अंदाज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सारे अमल में, जरा पैकेज मुलाहिजा कीजिए।
हम तो बजा सकते हैं यार, हम तो तालियां बजा सकते हैं, जबरदस्त काम पे हम तो बजा सकते हैं। ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान इंडिया की सबसे बड़ी राशन एक्टिविटी है जो कि इस वक्त मेरे और आपके शहर कराची में हो रही है जेडीसी की तरफ। जिंदाबाद। मैं खुद भी विजिट करके आया हूँ, तो आई कैन मैं भी आजकल में आता हूँ इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आपकी हिम्मत, आपकी इस्तकामत के लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। और हम चूंकि ज़ाती तौर पर आपको जानते हैं तो हम जानते हैं कि किस तरह से आप जुटे रहते हैं हर वक्त। नहीं, नहीं, आप लोगों की सपोर्ट है, सब लोगों की। वसीम भाई भी आए, खुद अपनी आंखों से देखा आपको, तो बल्कि मैं जब रोड की दीवारें हम साफ कर रहे थे, साथ ले लेके घूम रहे थे, दिखा रहे थे, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और इस वक्त जब मैं आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ, इस वक्त मेरे शहर के बहुत सारे बाप घरों से बाहर गली के कोने में बैठे होंगे, क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं है, वो घर में अफ्तारी के सामान नहीं ले जा सकते, अपने बच्चों को फेस नहीं कर सकते। चलो मस्जिदों में अगर अफ्तारी हो रही होती शायद वहाँ भेज देते, रोडों के दस्तरखानों पर हो रही होती वहाँ भेज देते, ना उनके पास खरीदने को पैसे हैं। मालिक मकान जायज सीख रहा है कि चौथा महीना पैसे दो, उसको भी तो चलाना है ना अपना घर, वो सीख रहा है। माँ बाप जो हैं, शायद बीमार माँ बाप जिनकी जिंदगियां थी चार चार पांच पांच साल, शायद वो दो तीन महीने और, क्योंकि बगैर दवाई के कैसे जिंदा रहेंगे, दवाई नहीं मिल रही, नहीं कैसे खरीदेगा, कैसे उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही, उसका बच्चा भूख से तड़प रहा है, उसकी बीवी सबके घर जा चुकी है मोहल्ले में, किसी के से दाल लिए, किसी के से आटा लिया है, किसी के से चावल लिया है, अब दोबारा नहीं जा सकती। जफर भाई, देगा ही नहीं। मैंने आपको बताया भी और लोगों से भी मैं शेयर करता हूँ, और फिर अल्लाह ताला की जात जानती है कि किस नीयत से कर रहा हूँ, लोग कुछ भी कहते रहे। मुझे एक मैसेज आया बादामी साहब के, इकरार भाई मैं नौकरी करता हूँ फलां फलां जगह पे, और इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली और ये मामलात हुए, तो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है प्लीज़, मेरे बच्चे का दूध नहीं है। तो जाहिर है औलाद वाले होते हैं आप तो ज़रा और उस दुख को महसूस करते हैं। तो मैंने अपनी टीम को स्क्रीनशॉट भेज के नंबर, और मैंने कहा कि आप इनसे रابطہ करके इनको जो चाहिए आप मेरे उस पे से इनको दे दीजिए। तो मेरा ख्याल था कि जाहिर है वो कोई, उस अल्लाह के बंदे ने 3,000 रुपये सिर्फ मांगे, जो कि उसकी जरूरत नहीं, अपनी जरूरत से जायद नहीं, अपने बच्चे के दूध की जरूरत से जायद नहीं, जो कि 1500 रुपये का, तो मेरा ख्याल है इकरार भाई 13,000 रुपये का कदर सफेद पोश लोग। हमारे ऑफिस में टीम आई, कुछ लोग आए, उन्होंने बोला हमारे बॉस आपसे मिलना चाह रहे हैं, हमारी एक छोटी सी जगह है। आप यकीन जाने उनके बॉस आके बैठे, उन्होंने जबानी बात नहीं की, उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया। वो पर्चा पढ़ने के बाद मैं भी रो रहा था, उनके बॉस भी रो रहे थे। उन दोनों लोगों को नहीं मालूम था बॉस ने क्या लिखा है। उस पर्चे पे लिखा हुआ था कि ये मेरे एम्प्लाइज हैं, मैंने जैसे तैसे इनको तनख्वाह दे दी, मेरे अपने घर के राशन के लिए 15,000 रुपये की जरूरत है, इनके सामने बोलिएगा नहीं। अल्लाह, आप यकीन जाने मेरे अपने पांव कांप रहे थे और वो शख्स रो रहा था, और वो लोग ये समझ रहे थे बॉस किसी और की एप्लीकेशन लेकर आए। 16,000 से ज्यादा लेटर हेड मसाजिद मदारिस इमाम बारगा मंदिर चर्चेस के मौजूद हैं, जबकि मेरे पास अगर 35,000 बोरे आटा उतरता है डेली, तो मैं 35,000 पैकेट निकाल रहा हूँ। मैंने इस ऑपरेशन को बढ़ा दिया है बहुत बड़े पैमाने पे। मैं एक महीने से खुद तो जो हमारे राइडर्स जा रहे हैं 3,000 घरों को कवर कर रहे हैं, लेकिन मैंने सबको अपना हिस्सा बना लिया है। आप किसी भी मस्जिद का लेटर हेड लाइए, राशन भरिए, ले जाइए। आप किसी मंदिर का लाइए, ले जाइए, किसी मदरसे, किसी इमाम बारगा। इसका क्या मकसद है मस्जिद और इसी इसी इससे बड़ा नेटवर्क है ही नहीं। ओके, एक मस्जिद का जो इमाम है उसको पता है कि मेरे मोहल्ले के इंतहाई गरीब लोग कौन हैं। जब मैं उनको राशन देता हूं, मैं उनकी एक शुक्रिया की वीडियो बना देता हूं कि भाई आपका शुक्रिया, आप हमारे बाजू बन रहे हैं इस मोहल्ले की इस गली इस कोने के लिए, ये साहब 50, 100 या 200 राशन ले जा रहे हैं। उस मोहल्ले के गरीब रात के अंधेरे में क़िबला से राब्ता करते हैं, वो उनको दे देते हैं। मसीही कम्युनिटी के लिए ईस्टर आ रहा था, इतना परेशान थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुझे नहीं मालूम था मसीही कम्युनिटी के 7 फ़िरके हैं, वो मुझे बाद में मालूम हुआ। आप यकीन जानिए 1,000 बोरे दे दिए, करोड़ों रुपए के राशन इनके घरों पर, खुद ले गए तमाम चर्चेज वाले, और फिर चर्च ऑफ पाकिस्तान में, सेंट पैट्रिक चर्च में, वहां पर दोनों जगहों पे कैंप लगा के राशन भर दिया कि आप खुद भी बांटें। मुसीबत इस वक्त ये है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा मजहबी दिन चल रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, जो आदमी दिन में 1 मिनट भी अपने किसी फैमिली के साथ नहीं बैठता था ना, वो अफ्तारी में जरूर बैठता था, बाप भी बैठता था, चचा भी बैठता था, चची भी बैठती थी, कोई किसी को फेस नहीं कर पा रहा है। यकीन जानिए, पकौड़े समोसे चाट दही बड़े हटा दें, जो रोटी रखी जा रही है ना दस्तरखान पे, उसमें भी बड़े जो हैं वो एक दूसरे को इशारा करें, तुम मत खाना, बच्चे खा लें, बहुत है। और मैं सिर्फ ये बात करूंगा, हुकूमत को सोचना चाहिए, इतनी बड़ी कयामत के दिन गुजर रहे हैं, ईद वीद तो किसी के दिमाग में है ही नहीं। जी जी, अब जी। आपको नजर आता होगा पहले खजला फेनी की दुकान पे लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, एक आदमी नहीं है खरीदने वाला। खजला खरीद लेगा वो 100 रुपये लीटर दूध कहाँ से खरीदेगा, और कोई रोजाना की कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। सर माफिया सरगर्म अमल है, आप देखें ना दूध लाखों लीटर फेंका जा रहा है। आपको मैं आपको खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि ये कोई दास्तान नहीं सुना रहे हैं जफर अब्बास साहब। हम तो हम खुद गलियों में जाके बाजारों में जाके भाई, और ये मैं बताऊं ये बिल्कुल घर घर का किस्सा है, और ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, गरीब की नहीं कर रहा। मिडिल ये हम जैसे लोगों का भी अब कमोबेश यही। देखिए आपकी जो सेविंग्स हैं, आपके जो वो आप 1 महीना 15 दिन 1.5 महीना बड़े से बड़े अरबोंपति खरबोंपति लोगों ने भी कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रखा होता है, कहीं कोई चीज खरीद रखी होती है, किसी कारोबार में लगा लिया,
किसी के पास भी इतना कैश या इस शक्ल में मौजूद नहीं होता कि एक एक फैक्ट्री में 10-10 हज़ार मुलाजिम है, फैक्ट्री एक महीने की तनख्वाह देगी, दो महीने की, अब उसके बाद उसने घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, बीवी के मामलात हैं, माँ की दवाई है, बच्चों का दूध है, पैंपर है, लोग कितना डिप्रेशन लेके बैठे हैं मुझे नहीं मालूम। फैक्ट्री वालों का भी बहुत ज्यादा कसूर नहीं है, अगर उसका पेरोल 8-10 करोड़ रुपए का एफर्ट्स कीजिए, मिसाल है, कितना देगा तो कितने महीने तक दे देगा बगैर फैक्ट्री जब सर मरीज को लेके आप अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल की इंतजामिया बोल लिए सही है ब्रेन हेमरेज हुआ होगा, पहले कोरोना का टेस्ट तो कराओ, अब वो कोरोना का टेस्ट कराने के लिए ढूंढता फिर रहा है, जी सही है 2 दिन में बहुत जल्दी आपको रिपोर्ट दे देंगे, तो उस 2 दिन के चक्कर में तो उसकी वालदा तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है, रोटी नहीं है लोगों के पास। जफर भाई ये जरूर बताइए कि अल्लाह ने जो ये हिम्मत दी है कि आइसोलेशन सेंटर जो है वहां पे भी माशाल्लाह जीडीसी का दस्तरखान, बल्कि पूरा किचन लगा दिया गया, एक्सपोर्ट सखर सखर का जो करंतीना है वहां पे भी जीडीसी का खाना पहुंचाया जा रहा है, और जाहिर है इस सूरत में तो इफ्तार और सहर भी देनी है आपको और मामूल का खाना भी देना है, क्योंकि उन लोगों को जो रोजा नहीं रख रहा उसको भी 3 वक्त का खाना चाहिए ताकि इम्यूनिटी बरकरार रहे और फाइट कर सके वायरस से। लेकिन ये इतना बड़ा ऑपरेशन माशाल्लाह, मैं चाहूंगा कि आपको तो सलाम है, आपके रजाकारों को सलाम है जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जिनकी वजह से यह चल रहा है वो कौन लोग हैं? आप यकीन जानिए, हमने जिस दिन पहले दिन सखर का ऑपरेशन स्टार्ट किया था आज से 50 दिन पहले, तो हम एक शादी हॉल है IRC के नाम से, उनके ऑनर से 50,000 रुपये उधार पे लेकर निकले थे यहाँ से सखर, और फिर खुदा का फजल ये हुआ कि वो लोग जो खाने की वजह से, देखें कोरोना के मरीज के जिस्म पे ना फोड़ा निकल रहा है ना उसके कहीं दर्द हो रहा है, उसको मालूम ही नहीं, वो नॉर्मल चलता फिरता आदमी है, अब अगर उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बोला जाए बस यहीं रहना है 14 दिन तो वो परेशान हो जाएगा चाहे कोई भी हो। जी, जी। यही प्रॉब्लम सखर में भी आई थी, यही प्रॉब्लम एक्सपो सेंटर कराची में आई। हमने सखर में भी पहले मरले में सबको दूध, जूस, इलेक्ट्रिक कैटल, टी बैग्स, दूध सब कुछ दे दिया, कुछ ना कुछ करते रहे ना, उनको मसरूफ कर दिया। अच्छा फिर हमने उनको टिक्का तक दिया बना के वहां पर, बारबेक्यू दिया क्योंकि उनको प्रोटीन भी चाहिए था, इस बीमारी में आपकी कुव्वत मुदाफे होगी तो आप मुकाबला करेंगे ना। अच्छा फिर इसमें हम लोगों की तनकीद भी फेस कर रहे होते हैं कि इनको क्यों फल खिला रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपो सेंटर कराची के अंदर भी बहुत बड़ा किचन बना दिया है, 3-3, 4-4 किस्म के खाने दे रहे हैं, उसके अंदर उनको फ्रूट, बिस्किट्स, मीठा वो सब दे रहे हैं। जितने कराची में हमारे दस्तरखान है, 2 जगह से सहरी और अफतारी चल रही है, 1 जगह पे अफतारी चल रही है, और सहरी की बात हमने सिंध हुकूमत से गुजारिश की है खुदा के लिए हमें करने दें, हम 40,000 लोगों के घरों पे जैसे हम बैठा के खिलाते थे वैसे डोर टू डोर पहुंचा देंगे, क्योंकि इस मुसीबत में जिस वक्त मैं समझता हूं मिडिल क्लास की कमर टूट गई है, मिडिल क्लास की कयामत का मंजर है, मैं सच बोल रहा हूँ, वो टाइम मुझे याद है कि पहली रमजान को लोग दूसरी रमजान को एक दूसरे की अफतारी भेजते थे, ऐसा कोई मंजर मेरी आंखें नहीं देख रही। कराची की सड़कों पे लाखों लोग अफतारी कराते थे, लाखों लोग मुसाफिरों को, हर आने जाने वाले आदमी किधर जाते होंगे, जो मजारात पे खाना खाते थे, जो इस तरह सड़कों पर लगने वाली इफ्तारियों पे खाना खाते थे, उन बेचारों को अगर तस्वुर तो करें उनके साथ अभी पता क्या चल रहा होगा, उनकी आंखों से रंग खत्म हो गए होंगे, उनको लाल रंग भी सफेद और काला ही नजर आ रहा होगा, क्योंकि कोई शख्स कितने दिन भूखा रहेगा। अच्छा खुद तो मैं भूखा रह सकता हूँ या आप भूखे रह सकते हैं, अपने बच्चे को आप कितने दिन भूखा रखेंगे? तो मैं यही साहिब इख्तदार लोगों से भी गुजारिश करूंगा, भाई खुदा के वास्ते इस बात को सोचो कि ये हो क्या रहा है किसी के घर में। मैं 35,000 बोरा एक दिन में राशन बांट दूं या 40,000, मेरे शहर में सिर्फ लियारी में 68 लाख लोग रहते हैं जिसमें से 80% दिहाड़ी पेशा है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन है, मतलब मैं मान ही नहीं सकता मुझसे कोई शख्स अगर ये बात बोले ना कराची मैंने पूरा घूमा हुआ, मैं नहीं मानूंगा। तीसरा टाउन यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव के बाद आता है, हम कर रहे हैं सर 35,000 बोरा चला जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया है रोजाना का 35,000 जितना आटा, अगर हमें 40,000 बोरा भी आटा मिलता है हम पैक करके निकाल देते हैं, हम रोक ही नहीं रहे, क्योंकि भाई जिस शख्स ने मुझे पैसा भेजा है उसने इसलिए भेजा है कि ये पैसा आज किसी गरीब के पेट में चला जाए ना, मुझे उससे यतीम खाने खरीदने हैं, ओल्ड एज होम है, एम्बुलेंसें हैं, हर चीज है, इस वक्त सिर्फ एक मसला है गरीब के पेट में रोटी, वो कह रहा है ना मुझे दवाई दो ना मुझे रेंट दो। लेकिन जफर भाई ये तो राशन हम दे रहे हैं ना, अब हम खुद को रख के देखें, हमारे लिए कायनात की सबसे कीमती चीज क्या है? हमारी औलाद और हमारे माँ बाप, ऐसे ही माँ बाप को चाहिए दवाएं, उनकी जरूरत है खाने के साथ साथ, और औलाद के लिए आपको कहीं दूध की जरूरत है, उसकी बुनियादी ख्वाहिशें, जो इफ्तार के वक्त चले आप जहाँ 6 चीजें रखते थे दस्तरखान पे, दो चीजें तो मौजूद हो अगर उसने रोजा कौन सी 6 चीजें खत्म, मैं आपको झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, इस वक्त मिडिल क्लास के घर में कढ़ाई चढ़ी नहीं रही, पकोड़े वकोड़े रमजान ये सब चीजें और फिर उसके बाद ईद, कोई ऐसा दिमाग का मसला है, वो सिर्फ एक चीज के लिए परेशान है कि मालिक मकान दरवाजा पीटेगा हम सबको छुप जाना है कमरे में, बीवी बच्चों से बोल रहे हल्के हल्के कदम से चलो नीचे, मालिक मकान की बीवी को आवाज ना जाए कि हम घर में जिंदा मौजूद है, दरवाजे के बाहर से ताला लगाया हुआ, डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए, उनको कुछ नहीं पता, लोग अपने बच्चों को शहरी में उठा ही नहीं रहे, कह रहे सोते रहो भाई उठोगे क्या करोगे, हमें देखोगे हम तुम्हें देख के रोएंगे तुम हमें देख के रोगे, तो सोते रहो 12 बजे उठना अफतारी हो जाएगी 2-3 घंटे बाद बेटा, अच्छा अब कितना टाइम रह गया बाबा, बस 2-3 घंटे और रह गए, अब कितना टाइम रह गया बेटा, भाई ये टीवी देख लो बेटा, लोग मुसीबत में है और बहुत ज्यादा मुसीबत में है, हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो लोगों से, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना
कि बड़े बड़े इदारे, यार आप यकीन करें, जिनकी जो करोड़ों रुपए कमा रहे थे इस मुल्क से, उनके स्टाफों को मैं राशन दे रहा हूँ। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं गिनवाना शुरू करूं, इतनी बड़ी लिस्ट है, हम तो किसी से दावा कर ही नहीं रहे हम कितना बांट चुके हैं। हमने तो दरवाजे खोल दिए हैं कि कितना लेके जाना है, खुदा अरेंज करवा रहा है पैसे, हम खुदा के भरोसे पे हर शख्स पे भरोसा करेंगे, गाड़ी लगाओ, ट्रक लगाओ, भरो, जाओ, दो। लेकिन मैं इस वक्त जो सूरत हाल देख रहा हूँ, कयामत खेज सूरत अभी तो देखें, इसमें हाथ रोकने का तसव्वुर इसलिए भी नहीं है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम वो एक खाने का वो करते हैं, तो अक्सर मुझसे वो टीम मेंबर्स कहते हैं कि जी ये दूसरी बार आ गया है, तीसरी बार आ गया है। तो जिस जगह हम वो खाने का इंतजाम कर रहे हैं जफर भाई, वहां से कोई कच्ची या गरीब आबादी कम से कम 6 किलोमीटर दूर है। दिल्ली कॉलोनी है, पंजाब कॉलोनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है वो कम से कम 6 किलोमीटर अल्लाह का बंदा या बंदी चल के आती है उस एक राशन के बोरे के लिए, दादू के पैकेट के लिए। सर दादू से चल के लोग आ रहे हैं, दादू से, जैकबाबाद से। मैंने सिंध में ऑपरेशन अलग खोल दिया है, जुनूबी पंजाब में अलग खोल दिया है, थर में अलग खोल दिया है, लेकिन लोग परेशान है। जो इलाके का मौजूद आदमी है, लोग उसको पकड़ लें गरीबान से, जाओ जेडीसी कराची जाओ, तुम जाओ तुम्हें मिलेगा। अब मैं उसका अहतमाद कैसे तोड़ दूं? कुछ नहीं करूं, अगर 50 राशन उसको दे रहा हूं तो ट्रांसपोर्ट मार देगी, उसको कैश दे रहा हूं आग बंद करके, ये लो कैश रिसीव करो, जाओ वहां खरीदना, ये पैकेज लोगों को दे दो, बस इतना कर रहे हैं और क्या करें इस वक्त जो सूरत हाल है। देखिए कि इस वक्त सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही अरेंज जो है ना, वो शदीद मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पे हमें अगर कुछ लोग राशन बैग्स देते भी हैं टीम सरेआम के लिए, तो वो हम अपने तौर पर उसका इंतजाम करते हैं कि पहले आपको ट्रक पे लेके आना है, फिर छोटी जगहों पे पहुंचाने के लिए छोटी सुजुकियां चाहिए, और वहां से फिर आगे गली गली में वो मोटरसाइकिलों पे जो हमारे मेंबर्स हैं, और वो जाहिर है वो मोटरसाइकिल से लेके ट्रक तक का सिर्फ फ्यूल ही अगर आप देख लें तो वो ही रोजाना के। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास 750 लेबर काम कर रही है, मजदूर। ओके, क्योंकि देखें जो पेड लेबर है, पेड लेबर जो ट्रक आके रुकते हैं ना, हम पूरे कोटरी से, हैदराबाद से, हम बहुत बड़े पैमाने में दालें खरीद रहे हैं लाखों के लोग से, तो जब वो ट्रक रुकते हैं आके लाइन से 10-15, तो उनको कोई आम आदमी खाली नहीं कर सकता, करना होता है उनको। मजदूर खाली कर रहे हैं 8-8 घंटे की शिफ्ट, 250 मजदूरों की, उनकी तनख्वाह 1,000 रुपए पर डे, 7.5 लाख। वो फूड पांडा के राइडर्स, उनकी तनख्वाह 750 रुपए पर राइडर, एक राइडर 12 घरों में राशन देगा। रेंटे राइड की गाड़ियां जो है वो तो चलो फ्री में जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हमें राशन दे रही है पाकिस्तान में या जो सामान दे रही है, उनसे हेल्प तो मिल रही है, लेकिन वो एक दफा देगी ना। यहाँ ऑपरेशन क्या है, मैं जो राशन किसी को भी दे रहा हूँ, किसी के घर में 3 आदमी नहीं होते, 8 लोग होंगे, 9 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, मियाँ बीवी, माँ बाप, बच्चे, बहन भाई, तो मेरा राशन तो 4 दिन का है, वो तो खत्म हो जाएगा 4 दिन बाद। अब मैं क्या करूँ, दोबारा मुझे उसके पास पहुंचने के लिए 2 महीने का टाइम चाहिए। मेरे पास 16 लाख लोगों के शिनाख्ती कार्ड मौजूद है, 16 लाख, तो मैं क्या करूँ? मैं तो बार बार बोल रहा था शुरू में इनसे कि भाई मुझे नेशनल स्टेडियम दे दो, मैं डेली आपको 1200 ट्रक भर के दूंगा, आप खुद बांटो। लेकिन इस वक्त तो अगर मैं किसी बड़े स्टेडियम में जाऊंगा हमला हो जाएगा, लोग इस वक्त उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है भाई। और अभी हम जान ही रहे हैं औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, कयूमाबाद, आप जरा मानसेरा कॉलोनी पैदल आ रहे हैं, लोग औरंगी टाउन से पैदल आ रहे हैं, मुझे एम्बुलेंस में भेजना पड़ रहा है, कह रहे हमें कुछ नजर ही नहीं आया, कैसे फासला तय हो गया, हम बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, क्यों सुनाई देगा उसको कुछ? सिर्फ राशन के लिए। अरे राशन तो कम देखिए ना, समझे, तवे खाली पड़े हुए, रोटी नहीं बन सकती, पतीलियां खाली पड़ी हुई है, ना दूध है, ना उसके अंदर दाल है, कुछ भी नहीं है। और ये मैं गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो रमजानों में एक दूसरे के घरों पे सहरियां करने जाते थे, एक दूसरे को तहाइफ देते थे, किसी ने खजूर का डब्बा भेज दिया, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 महीने पूरे होने वाले हैं और कहीं से पैसा आने की उम्मीद भी नहीं है, और आगे कितने दिन ये हालात रहेंगे किसी को नहीं पता। बड़ी बड़ी कंपनीज ने कर दिया, क्या करे हुकूमत, क्या करे आप? हुकूमत को चाहिए कि किसी भी तरीके से, चाहे पोस्ट ऑफिस को इस्तेमाल करे, चाहे राइडर्स को इस्तेमाल करे, कुछ भी करे, हर एक के घर में 20-20 किलो आटा और 2-2 लीटर 4-4 लीटर तेल पहुंचा दे और दालें पहुंचा दे, बस। एक बात जरा दयानतदारी से बताइए, हम इसको सियासी नहीं कर रहे, मुझे अभी तक कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा खानदान नहीं मिला मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स के दौरान कि जिसने कहा हो कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई मदद आई है। मैं अगर अपने शहर आई होती तो मैं भी अपील नहीं कर रहा था यहाँ बैठ के, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि हुकूमत को अब करना पड़ेगा। देखें ये जो भी लोग हैं, कल को आपको इन्हीं के पास आना है वोट लेने, इस वक्त भूखे हैं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेरा बच्चा अगर 2 दिन का भूखा हो शायद मैं अपने आपको मार लूंगा, सही है ना। इस वक्त लोगों के घरों में तलाकें हो रही हैं, बीवियां अपने शौहरों को छोड़कर जा रही हैं कि तेरी वजह से मेरे बच्चे भूखे हैं, तू नहीं पाल सकता। बीवी कैसे समझ जाए कि इसके साथ क्या मुश्किल है, वो अपने माँ बाप के घर जा रही है, माँ बाप भी 4थे दिन वापस छोड़ के जा रहे हैं। तो आप मामला समझे, ये वो सच्चाइयां जो मैं डेली फेस कर रहा हूँ कि किसी का घर बच जाए, भाई तुम 25,000 रुपए ले लो, रेंट लो, अपना घर तो बचाओ, फिर वो अगले दिन आ रहे हैं, वो रेंट तो पूरा चला गया, खाना बहुत मुश्किल है। जो लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए, लोग आ रहे हैं, खुदा की कसम लोग आके बैठते हैं, बात नहीं करते, सिर्फ रोते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ रहा होता हूँ, चुप तो हूँ, बात तो बताएं, रोए जा रहे हैं लोग, रोए जा रहे हैं, और बहुत मुसीबत में बड़ी बद्दुआएं दे रहे होंगे, लोग बहुत परेशान हैं, माएँ परेशान हैं, बाप परेशान हैं, इतना अजीब सा लग रहा होता है। कोई बोलता है ना यार, जिनको आपने राशन दिया इनकी बीवी ने भी तुम्हारा लाइन में लग के लिया है, तो मैं लोगों से बोलता हूँ तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है यार, तुमने पैसे दिए लेने दो। मुझसे अगर किसी चैनल पे भी पूछते हैं कि आप किसी के घर में 2 बार अगर राशन देते गलती से, मैंने कहा मैं 10 बार भी दे दूं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो 10 उसके पेट में जाएगा, खाएगा ना, तुम तो नहीं ले रहे ना, तुम तो पैसे वाले। ऐसे उसमें कि जैसे
कैसे कैसे खुददार लोग मांगने पर मजबूर खत्म हो गया। खुददार लोग खुददार खुदकुशी कर लेंगे थोड़ी देर में। अभी झड्डों में औरत मरी है, प्रेग्नेंट औरत, क्यों मरी? चार दिन से खाना नहीं खाया, जहर फैल गया, वो भी मर गई, बच्चा भी मर गया। सरजानी में जिस औरत ने खुदकुशी की, क्यों की? खाना ही नहीं था। कितने दिन कोई बेटी अपने बाप से कैसे बोलेगी कि बाबा मैं भूखी हूँ? बाप बोलेगा मैं भी तो भूखा हूँ। तो बाप घर में आई नहीं रहा, बाप बाहर गली कोने में बैठा हुआ है, क्या करे? कोई रास्ता तो कोई बताए, कोई एक रास्ता, साथ वाला भी, कोई हमसाया भी मदद कैसे करे? वो खुद भूखा है, उसके घर में भी भूखा है। आप क्या समझ रहे हैं? लोगों की जेबों में क्या 2.5 लाख रुपए होते थे? 10,000 बिजली का बिल देंगे, 5,000 गैस का बिल देंगे, 15,000 रेंट देंगे, ये तो साइड पे करने 30,000, उसके बाद अपने घर का 8,000 राशन, एक महीने का 38,000 रुपए, तो यही हो गया सीधा सीधा। तो कहां है नौकरी, कहां है रोजगार? कंपनियों ने ईमेल कर दिए, लेटर भेज दिए घरों पे कि वापस नहीं आना, हमने जो सामान भेजा था बैरूनी ममालिक ना वो बिका है, ना उसके पैसे आए, वहां भी लॉकडाउन है, यहाँ जो लाखों सूट पड़े ना वो बिकेंगे, सीजन खत्म, तुम अब आना नहीं हमारी कंपनी। और कंपनियों का भी देखिए, अगेन मिसाल के तौर पे जिसने सारे साल की सरमायाकारी कर रखी होती थी सीजन के लिए, रमजान के लिए, ईद के लिए, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी इतने बड़े पैमाने पे, कुछ ना गया। हुकूमत के अलावा तो कोई नहीं कर सकता सर। मैं तो इस पे परेशान हूँ कि बड़े बड़े मुखैर हजरात जो अरबोंपति खरबोंपति थे सामने क्यों नहीं आ रहे। मैं नहीं नाम ले सकता, 3 से 4 लोगों ने सपोर्ट किया बड़ी कंपनीज ने, बाकी लोग सामने ही नहीं आ रहे। वो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं जरा? भाई मैं नाम ले सकता हूँ कंपनियों का, यूनिलीवर ने दिया बहुत बड़ी रकम, उसके अलावा शान मसाले ने दिया, उसके अलावा हमें शहजाद मेमन साहब ने पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपनी जाती हैसियत में दिया। कल EBM बिस्किट वालों ने 10,000 कार्टन भेजे और उनका फोन आया 20,000 कार्टन और भेज रहे हैं। लोगों ने तनकीद की बिस्किट से क्या होगा, मैंने कहा जिसके घर में एक लुकमा नहीं है ना, उसके घर में जब मैं 2,500-3,000 रुपए कार्टन दूंगा वो कम से कम इतना बोलेगा मेरे बच्चे जिंदा रह जाएंगे बिस्किट पे पानी पी के। देखें दूध का बोरा मैं कैसे खरीदूं, 25,000 रुपए का बोरा है बच्चों, और अगर मैं 25 किलो वाला बोरा लेता हूं फुल क्रीम तो 13,000 रुपए का, 1 लीटर तो दूंगा एक बच्चे के लिए, लो 4 दिन अपने बच्चे को दूध पिला लो तो भाई वो 1,300 रुपए का पड़ रहा है, और वो 1 लीटर 4 दिन ही पिएगा बच्चा, मतलब बच्चा तो क्या पिएगा, बच्चा क्या मांगेगा, बच्चा तो रोएगा, उसके क्या 2 साल से नीचे का बच्चा यही कहेगा ना कि रोता रहेगा, उसकी कोई भी हाजत है पूरी कर दो। माँ बाप को देखेगी शोहर को, शोहर बाप को देखेगा, शोहर घर से बाहर चला जाएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतना परेशान है, जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, नजर आ रहा है सब, कयामत है। अगर आप मेरे ऑफिस में बैठ जाए खुदा की कसम आपकी आंखों से सिर्फ आंसू निकलता रहेगा, हर बंदा आने वाला नजर आएगा कि देने आ रहा है पैसा, हर बंदा ऐसा बावजा आदमी, ऐसा नफीस और मांगने के लिए आ, जब वो बैठेगा अपना पर्चा आपको देगा या आपके कान में बात करेगा या आपसे बोलेगा कमरा खाली करेंगे भाई प्लीज, बस आप उसी वक्त समझ जाइएगा कि अब ये क्या शुरू होने वाला है। वो जो देने वाले थे अब वो लाइनों में लगे हुए हैं, खत्म, देने वाले का नजर आ रहे हैं। सो मिडिल क्लास, अगर आप हमारे बैंक का स्टेटमेंट निकाल लें तो जो हमें भी डोनेशन आ रहे हैं वो एक एक दिन का 30-30 पेजों पे, उसमें रकम आपको यही मिलेगी 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000, क्योंकि जिसको भूख मालूम है वो दे रहा है। मैं तो अमीर लोगों से यही गुजारिश करूंगा आगे बढ़े, कंपनीज आगे बढ़े, मेडिसिन आप देखें, एक एक तुम डॉक्टर को किस किस मुल्क नहीं घुमाते हैं, कौन सी मेडिसिन कंपनी ऐसी नहीं है? ये मुसीबत की घड़ी है, तुम्हारे पास अपनी सेल्स की टीमें मौजूद है कराची से खैबर तक, खुद आटा खरीदो से डिस्ट्रीब्यूटरों को दे दो, हर घर में पहुंचा दो। जब इस तरह 3,000 कंपनियां उतरेंगी मैं समझता हूँ कोई भूखा नहीं रहेगा, कुछ कुछ ना करना तो पड़ेगा, लोग तो बहुत मुसीबत में। अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप जिस तरह से जुटे हुए हमारी सपोर्ट, हमारी दुआएं, हर तरह से दामे दरमे सुखने, इंशाल्लाह मैं आता भी हूँ JDC वहाँ पे भी, सो दैट लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि किस तरह से काम हो रहा है, और लोगों का एतमाद और एतबार आपने जीत लिया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बार बार लोग तनकीद करते हैं कि जी सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं आप अपना नेकी करके, भाई इस वक्त ज़रूरत है यार भाई, सोशल एक वेलफेयर के पेज पे क्या डलेगा कि भाई तुमने एक बोरा आटा दिया था ये हमने पहुंचा दिया बस्ती में, उसकी शक्ल नहीं दिखाई। अब जिसने एक दिया उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो 1,000 देगा। अब बात ये कि यहाँ जी को देखकर 1,000 लोगों को तरकीब मिलेगी कि यार मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, कराची की सियासी पार्टी वो अपने लोगों को बोल रही है कि फलाई दारों के खिलाफ कैंपेन चलाओ, ये लोग कल को सियासी पार्टी ना बन जाए। अरे हमें नहीं आना सियासत में, आप काम करने, तो लोग भूखे हैं, तुम्हारे अपने वोटर भूखे हैं, अपने नाम से बांटो। मैंने तो ओपन ऐलान किया हुआ, जिसको राशन चाहिए मुझसे ले जाओ, अपनी सियासी पार्टी का थैला चढ़ाओ, बांटो, हमने नहीं रोका। और जो कर भी रहा है उसका मजाक भी नहीं उड़ा रहे, हम तो खुद बोल रहे हैं कि खाना पहुंचा दो, 35,000 बोरा मैं नहीं बांट सकता एक दिन में, बिल्कुल। तो आप हमारे बाजू बन जाए, ओपन बोला हुआ, इस वक्त चाहे वो नुमाइश चौरंगी पे हमारा दस्तरखान हो, चाहे जौहर चौरंगी पे दस्तरखान हो, चाहे एक्सपो सेंटर के अंदर कोरोना के मरीजों को दस्तरखान हो, हर जगह पक रहा है लाइव, तंदूर चूल्हे कढ़ाइयां सब लगी हुई है, चाहे सखर आइसोलेशन सेंटर हो, चाहे फेडरल बिलियर, हजारों पैकेट लोगों के घरों पे जा रहे हैं, उसके बाद भी समझे 1% भी किसी को नहीं जा रहा। अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे, और आमीन आमीन। खास तौर पे मिडिल क्लास मुतवस्सत तबका है, दुआ भी की जा सकती है और उन लोगों से दरख्वास्त भी की जा सकती है कि जिन्हें परवरदिगार ने नवाजा है, यही वो वक्त है, आपकी जिंदगियों का सबसे बेहतरीन वक्त है, अगर आप सही मानों में कोई कमाई करके इस दुनिया से जाना चाहते हैं। जिस तरह के कल भी हमने कहा कि हर चीज़ इररिलेवेंट हो गई, आपके महंगे तरीन कपड़े, आपके ब्रांडेड जूते, आपकी महंगी घड़ियाँ, आपके बेस्ट पाकिस्तान के बाहर से लाए हुए परफ्यूम्स, आपकी महंगी तरीन गाड़ियाँ,
आपके घर हर चीज गैर मुतल्लिक हो गई है इस एक छोटे से वायरस की वजह से जो नजर भी नहीं आता। हमें पता चल गया कि हमारी औकात क्या थी, जो कमाई जिसके पीछे, जिस दौलत के, जिस रुपए पैसे के पीछे हम भागते थे, यही वो वक्त है कि ये जिस दौलत ने हमें आज कुछ नहीं दिया, ना हम पाकिस्तान से बाहर कहीं जा सकते हैं, ना यहाँ से कहीं भाग सकते हैं, खुदा ना खास्ता ये वबा और फैलती है तो ना कोई इलाज की सूरत निकल सकती है, ना ये होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वेंटिलेटर पहले उसे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब एक सफ अपने प्यारों को दफना भी नहीं सकते इकरार भाई, आप जितने बड़े सेठ हो अगर इस बीमारी में मरोगे तो रिश्तेदार घर में बैठे होंगे और मशीनें आके दफनाएंगी आपको। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं और जाती मुशाहदे में भी है मेरी इस तरह से। चले जनाब, लेकिन आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं जफर साहब, और हमारी तरफ से जिस लेवल पर हो सकेगा, इंडिविजुअल लेवल पर, इदारे की लेवल पर, ब्रांड की लेवल पर, हम आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक वफा लेते हैं, अजान असर का वक्त भी करीब है और नातिया मुकाबला भी आज से इंशाल्लाह इसी इफ्तार किस ट्रांसमिशन में होगा। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।